सबको। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोमती नगर। आज हिंदी की कक्षा में हम लोग कैकेयी का अनुताप, जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, उसका तृतीय भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हम लोगों ने अध्ययन किया कि राम को वन गमन मिला था, पिता से आदेश वन गमन का मिला था। कैकेयी ने अपना पश्चाताप व्यक्त किया था, पुत्र की उपेक्षा से आहत ममत्व की पराकाष्ठा कि पुत्र भरत ने अपनी मां कैकेयी का परित्याग कर दिया था। जब उन्हें यह पता चला कि पिता की मृत्यु और राम को वनगमन के लिए आदेश देने में मां कैकेयी का हाथ है, कैकेयी का चारित्रिक वैविध्य, कैकेयी के चरित्र की विविधता कि पहले जहां उसका स्वरूप उग्र था, बाद में वह तुषारावृता विधुलेखा, मतलब वो शांत हो गई। तो इस तरह से कैकेयी के चरित्र की विविधता को कवि ने बताने का प्रयास किया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत का भाई। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाए, सौ बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज कमाया मैंने, विकराल कुयशी यहाँ कमाया मैंने। यहाँ पर कैकेयी कह रही है कि इस संसार के जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से लोग यह बात सुने, मुझे धिक्कार करते रहेंगे, मेरे ये स्वार्थ को लोग हमेशा मुझे स्वार्थी ही जानते रहेंगे। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, जब कल्प कल्पांतरों तक, युगो युगांतरों तक लोग यही सुनते रहेंगे कि कैकेयी ऐसी रानी थी जिसको स्वार्थ ने आकर के घेर लिया। पूर्व में भी हम लोगों ने पढ़ा था, रघुकुल की थी एक अभागिन रानी, तो वह रघुकुल की अभागिन रानी जो अत्यंत स्वार्थी थी, स्वार्थ ने जिसे घेर लिया था, उसको धिक्कार है। राम कह रहे हैं सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, लेकिन राम भरत को निष्कलंक मान रहे हैं, माँ कैकेयी को निष्कलंक मानते हुए वो ये कह रहे हैं कि वह माँ धन्य है, सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिसने भरत जैसा भाई दिया है मुझे, जिसने भरत के समान प्रेम करने वाला, भक्ति करने वाला भाई दिया है, ऐसा शांत धीर गंभीर भाई दिया है, ऐसी माँ का धन्य है, वह माँ धन्य है जिसकी कोख से भरत ने जन्म लिया है। प्रभु के ये कहते ही, श्री राम के ये कहते ही, सारी सभा जो वहां पर लगी थी, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, वो सभा भी यही बात कहने लगी, सौ बार धन्य वह एक लाल की माई। वह लाल जिस भरत, लाल भरत की यहाँ पर विषय में कह रहे हैं कि जिस भरत को जन्म दिया है कैकेयी ने, वह उस कैकेयी का धन्य है। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, जिसको तुम लोग लाल कह रहे हो, उस लाल को मैंने आज गवा दिया है, खो दिया है, वह मुझे अब माँ मानने को ही तैयार नहीं है। विकराल कुवशी यहाँ कमाया मैंने, और यहाँ पर इस संसार में आकर के मैंने कुयश ही कमाया है। पूर्व में मैंने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन जब मैंने दशरथ को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो तुम्हें जंगल भेजे, सारी प्रजा राम के साथ थी, लेकिन राम को मैंने जंगल भेज दिया, राम के जंगल भेजने के कारण ये जो कुयश मुझको प्राप्त हुआ है। इस अंश से संबंधित प्रश्न आएंगे। सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, यह पंक्ति किसने कही है? कैकेयी ने अपने किस स्वार्थ को उजागर किया है? कैकेयी ने
इन पंक्तियों में या इस पूरी घटनाक्रम में अपने किस स्वार्थ की बार बार बात करी है? निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तब से धृत हरण तुल्य होता है, श्रृंगार श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जल क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। यहाँ पर कैकेयी कह रही है कि उस पुत्र ने मेरा त्याग कर दिया है, मैंने अपने उस पुत्र ने जो मुझे खो दिया, जो मुझे अपनी माँ ही नहीं मान रहा है, मैंने उसी पुत्र पर अयोध्या की राजगद्दी जो स्वर्ग के समान गद्दी है, ऐसी गद्दी को मैंने उस पर न्योछावर कर दिया था, उसको दे दिया था कि राम को जंगल भेज दिया, तुम्हें अकंटक गद्दी मिल गई है, ऐसा स्वर्ग मैंने अपने पुत्र को प्रदान किया, लेकिन स्वर्ग पाने पर भी यह मेरा पुत्र रो रहा है। अयोध्या जैसी गद्दी, राज गद्दी पाने पर भी, राजा बनने पर भी, इतने महान वंश का राजा बनने पर भी यह जो मेरा पुत्र है, यह शंका से, दुख से, ग्लानि से रो रहा है। शंकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है, जिस प्रकार से हिरण का बच्चा माँ के पीछे छिप जाता है, रोता रहता है माँ से बिछड़ करके, उसी तरह से यह मेरा जो पुत्र है यह रो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। अब ये देखो पूर्व का रूप, पूर्व का बिंब, कैकेयी का बिंब, श्रीखंड की यह जो मेरा शरीर है, श्रीखंड शीतल हो गया है, आज अंगार चंड है मेरा, जिनमें यह ज्वलित भाव आए थे, जिनमें यह शौक का भाव आया था, जिसमें यह भाव आया था कि जो है राम राजा बन जाएंगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा भाव जब आया था, लेकिन आज यह मेरा शरीर शांत हो गया है, अंदर से भले ही हलचल है लेकिन ऊपर से यह शांत दिख रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, मुझे इससे ज्यादा दंड और क्या मिल सकता है। पटके मैंने पदपाड़ी मोह के नद में, मैंने मोह के नद में, अब प्रिय भरत के प्रेम के चक्कर में, प्रिय भरत के स्नेह के बंधन से बंध करके मैंने हाथ पैर बहुत पटके, दशरथ के सामने जो है अपने गहने उतार दिए, दशरथ के सामने अपने पुराने वर को याद किया, मैंने बहुत तरह से यह प्रयास किया था कि यह गद्दी मिल जाए मेरे भरत को और भरत राजा बन जाए, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, लोग स्वप्न देखते हैं या मद में, मद यानी जिसे कहनी चाहिए नशा, जब किसी चीज का नशा होता है तो लोग उस नशे में क्या क्या नहीं करते, स्वप्न में क्या क्या बातें नहीं करते और सुनते हैं, वही मैंने किया। मैं तो स्वप्न देख रही थी कि भरत, जैसे ही भरत ननिहाल से वापस आएंगे, राजगद्दी को पा करके बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे धन्यवाद करेंगे, इतने बड़ा राजा बन जाएगा मेरा भरत, मैं राजमाता कहलाऊंगी, ये सारा का सारा तो स्वप्न था, एक नशे की बात था। जैसे ही स्वप्न टूटा, स्वप्न भंग हुआ, मेरा बेटा तो कुटिया में आ गया, मेरा बेटा तो रो रहा है, मेरा बेटा तो दीन है, मेरा पुत्र तो दुखी है, उसके लिए यह स्वर्ग की गद्दी तुच्छ है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी कह रही है कि यह मुझे प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, इसको तुम प्रिय हो। देखो, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय
रहो न मुझसे न्यारे, मैं इसे न जानू किंत जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल को ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज मुझ भर भीटा, मुझको यह प्यारा। यहां पर कैकेयी अपने पुत्र और राम के संदर्भ में कह रही है कि यह मेरा पुत्र मुझे बहुत प्रिय है, यह मेरा पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, और इसे तुम प्यारे, और ये तुमको अत्यधिक प्रेम करता है। मैं अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती हूँ और ये तुमको अधिक प्रेम करता है, तो इस कारण मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, हे मेरे प्रिय, हे मेरे राम, तुम मुझे दुगने प्रिय हो। भाई मैं अपने पुत्र को प्रेम कर रही हूँ, ये मेरा पुत्र तुमको कर रहा है, उस अर्थ से तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, तो हे राम तुम दुगने प्रिय हो, रहो न मुझसे न्यारे, मुझसे अलग मत रहो, मुझे अलग मत समझो, मैं इसे न जानू किंतु जानते हो तुम। मैंने भले ही अपने पुत्र को जन करके भी ना जान पाया हो, मैंने भले ही अपने पुत्र को पहचान ना पाई हूं, लेकिन तुम तो मेरे पुत्र को अच्छी तरह से जानते हो, तुम तो जानते हो कि इस पूरे कार्य में मेरे पुत्र का एक भी दोष नहीं है, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और हमेशा से बाल्यावस्था से तुमने हमेशा पहले इसे ही माना है, पहले मेरे पुत्र पर ही तुम्हारा सबसे बड़ा स्नेह रहा है, पहले मेरे पुत्र मुझे बाद में मानता था, पहले तुम ही मुझे मानते थे, तुम जब रात में आकर के मेरे पास सो जाते थे, कौशल्या ढूंढते ढूंढते आती थी, तो पहले तो तुम मुझे ही मानते थे, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का आपस में प्रेम जिस तरह से मिला हुआ है, तुम चारों भाई आपस में जिस तरह से प्रेम करते हो, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, तुम्हारा प्रेम सभी भाइयों पर समान रूप से बराबर रूप से व्यक्त होता रहा है, तो पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तुम्हारे भाइयों, तुम अपने भाइयों के प्रति मलिनता का भाव मत रखना, तुम भरत के प्रति किसी भी तरह का मलिनता का भाव मत रखना, तुम भरत के प्रति किसी भी जो है अपने मन में बैर का भाव मत लेके आना, तुम अपने सब भाइयों पर वैसा ही प्रेम दिखाते रहना जैसे पूर्व में दिखाते रहे हो, भले ही मैं पंकिला, पंकिला कीचड़, पद्मकोश कमल, की जैसे कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है, कमल की उत्पत्ति जैसे कीचड़ से होती है, वैसे इस भरत का जन्म मुझसे हुआ है, भरत ने मुझसे जन्म लिया है, यह कमल के समान है, मेरे अंदर जो द्वेष की भावना, जो स्वार्थ की भावना, जो मेरे अंदर दाह की भावना आ गई थी, जो दोष मेरे अंदर आ गए थे, उस दोष से मेरे इस कमल के पवित्र भरत का जन्म हुआ, भरत बिल्कुल निर्दोष है, मैं रहूं आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगे आने वाले लोग तुम्हें बहुत तरह से बातें कह करके सुन करके समझाने का प्रयास करेंगे, समझावे तुमको अतुल उयुक्तियां दे करके, आगे आने वाले लोग तुमको तरह तरह से बात कहेंगे समझाएंगे, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, और वह राम से कह रही है कि मेरा तो एक माँ का हृदय है, माँ का हृदय अपने पुत्र के लिए सर्वथा परेशान रहता है, हमेशा उसे स्नेह की पराकाष्ठा करता रहता है, तो मैंने अपने स्वार्थ के कारण, अपने पुत्र मोह के कारण मैंने यह कार्य किया है, उसने फिर तुमको आज
बुझा भर बेटा, मेरे तो यह अधीर, मेरा तो बेटा एक एक अधीर हृदय है, लेकिन उस मेरे बेटे को भी, उस भरत को भी तुमने अपने हृदय से लगा लिया है, उस भरत को तुमने निर्दोष मान लिया है। इस अंश में राम को कौन प्यारे हैं, कैकेयी ने दुगने प्रिय किसे कहा है, कैकेयी का दुगना प्रिय कौन है। यह अंश कैकेयी का अनुताप खत्म हुआ था और इस पूरे अंश में जो मुख्य बातें हम लोगों ने समझी थी, पूरे अंश में जब हम काव्य वैशिष्ट के संदर्भ में बात करें, कविता की विशेषता के संदर्भ में हम बात करें, तो काव्य का वैशिष्ट दो प्रकार से आता है। एक आता है कविता का भाव पक्ष और एक आता है कला पक्ष। भाव पक्ष जिसमें कविता का भाव और भाव के अंतर्गत क्या क्या बातें आएंगी, किन किन बातों को, मुख्य भावों को हमने इस कैकेयी के अनुताप में समझा और जाना। सबसे पहले कवि गुप्त जी ने सूक्ष्म भावों को प्रेरित किया है इस काव्य के माध्यम से, कैकेयी के अनुताप के अंश के माध्यम से। कवि गुप्त जी ने जो मानव के सूक्ष्म भाव हैं, जिसमें कैकेयी का जहां पर बिंब का वर्णन है, कैकेयी के जहां पर चरित्र का वर्णन है, कैकेयी की जो सूक्ष्मता थी, जब हम लोगों ने पढ़ा था वह सिंघनी हा गोमुखी गंगा, कितना सूक्ष्म भाव है कि जो पहले सिंघनी थी अब गंगा के समान हो गई। तो कवि ने जो है सूक्ष्म भावों का प्रणयन यहाँ पर किया है। या जब भरत कहते हैं अब क्या रह गया अभीप्सित मेरा, कहना क्या चाह रहे हैं कि मुझे गद्दी मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो मैं तो तब भी अभागा रह गया। तो यहाँ पर कवि गुप्त जी ने सूक्ष्म भावों को व्यक्त किया है, आत्मीय प्रेम एवं उच्च विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। भरत का राम से प्रेम, राम का भरत से प्रेम और माता कैकेयी के प्रति प्रेम, राम का माता कैकेयी से पुत्रवत प्रेम, भरत से भ्रातृवत प्रेम, इन प्रेम आदर्शों की पराकाष्ठा दिखाई गई है, उच्चतम रूप में दिखाया गया है। एक भाई जिसको जंगल मिल गया वो जंगल में खुश है, एक भाई जिसको राजगद्दी मिल गई वो उसमें भी खुश नहीं है। गद्दी वाला जंगल वाले को ला करके और गद्दी पर बिठाना चाह रहा है, कितनी सूक्ष्म, कितना आत्मीयता का भाव है, दोनों में कितने प्रेम का भाव है, उस भाव की अभिव्यक्ति गुप्त जी ने की है। कैकेयी के रूप में एक माता को दोष मुक्त करके उसके हृदय की पवित्रता को बनाए रखने का सफल प्रयास किया है। हमने पूर्व में भी बात की थी काव्येतर उपेक्षिता नायिकाएं की, काव्यों की उपेक्षित नायिकाएं, वे नायिकाएं जिनको मुख्य पात्र के रूप में वर्णन कभी नहीं किया गया था। इस संदर्भ में आपको बताया गया था उर्मिला, इस संदर्भ में आपको बताया गया था यशोधरा। तो यहां पर देखिए कि कैकेयी ने जो पश्चाताप किया है, कैकेयी ने जो राजा दशरथ से अपने दोनों वरदान मांगे, वरदान प्राप्त भी हो गए और वरदान का परिणाम क्या हुआ, उसे पति को खोना पड़ा, पुत्र की उपेक्षा सहनी पड़ी, लेकिन कवि ने यहां पर कैकेयी को मुख्य पात्र के रूप में दिखा करके, कैकेयी के माँ के रूप में दिखा करके उसके उसको पश्चाताप करता हुआ दिखाया। इससे पूर्व का कैकेयी का पश्चाताप का इतना विशद रूप से वर्णन नहीं हुआ था। तो यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी को दोष मुक्त दिखाया, पाप पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दिखाया, पश्चाताप करते हुए दिखाया, इसके साथ ही साथ उसके हृदय की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास किया। लोगों के हृदय में जो अब तक कैकेयी का एक स्वार्थी रूप था, उस स्वार्थ रूप की परत हटा करके कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी को एक
माता के रूप में, एक अच्छी माता के रूप में, सफल माता के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। गुप्त जी लोक संग्रही कवि थे और जिसके कारण उन्होंने राम को मानवीय रूप में दिखाया। पूर्व में राम को जो है एक ईश्वरीय अवतार बताया गया, लेकिन जब राम पहले ही राम प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे कहो भरत अभीप्सित अपना, जब राम कहते हैं एक लोक व्यक्ति की तरह कहते हैं कि भाई बताओ भरत तुम अब क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, तो कवि गुप्त जी ने राम को यहां पर ईश्वरीय रूप ना दिखा करके मानवीय रूप दिखाने का प्रयास किया है। कैकेयी के पश्चाताप में प्रकृति को भी सहायक बनाने का प्रयास किया गया है। पूरे अंश यदि हम देखें तो रात्रि के समय का वर्णन किया था, तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे नीले वितान तले दीप बहु जागे। रात्रि का समय था, रह रह करके करौंदी कुंज की महक आ रही थी ऐसे शांत वातावरण में, और विषय इतना उद्विग्न था, विषय इतना उद्वेलित करने वाला था, विषय इतना ज्यादा अयोध्या वासियों के लिए उत्सुकतापूर्ण विषय था, और ऐसा विषय जिसकी स्वर्गलोक के लोग भी कल्पना कर रहे थे, स्वर्गलोक के लोग भी, देवता लोग भी जिसका परिणाम जानने के लिए आतुर थे। ऐसे शांत, ऐसे भावों की सृजना कवि ने शांत रूप में, रात्रि के शांत परिवेश में ऐसे भाव की व्यंजना की है। कैकेयी के पश्चाताप को दिखाकर कवि ने नारी मात्र को विशेष महत्व दिया है। कवि ने जब कैकेयी के पश्चाताप दिखाया, कैकेयी के अनुताप को दिखाया, कैकेयी के ताप को दिखाया, ऐसा कहके जो समाज में कैकेयी के प्रति एक जो है दुर्भावना लोगों के मन में थी, ऐसी दुर्भावना को गुप्त जी ने दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने नारी मात्र की विशेषता को बताने का प्रयास किया है। काव्य वैशिष्ट के अंतर्गत मैंने बताया एक भाव पक्ष होता है और एक कला पक्ष होता है। तो भाव पक्ष में हम लोगों ने देखा, अब हम लोग कला पक्ष को देखते हैं। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली कि इसकी जो भाषा है द्विवेदी युगीन भाषा है। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी में ही काव्य प्रणयन की प्रेरणा गुप्त जी को दी थी, तो द्विवेदी युगीन भाषा यहाँ पर प्रयुक्त की गई है। परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग गुप्त जी ने किया है। शैली प्रबंधात्मकता क्योंकि ये महाकाव्य है, महाकाव्य आपको बताया गया था, तो जिसमें एक कहानी चाहे वो पुराण प्रसिद्ध हो इतिहास प्रसिद्ध हो, एक कहानी का वर्णन 7 से अधिक सर्गों में किया गया तो वो आपका महाकाव्य कहलाता है, और ऐसे काव्यों को हम प्रबंध काव्य कहते हैं। गुण प्रसाद और माधुर्य, मधुरता का भाव है, शांत का भाव है, तो यहाँ पर आपका प्रसाद गुण आएगा। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, अभिधा, अभिधा यानी सीधा सीधा कथन, वह कथन जो हम लिखने वाले ने जो लिखा, समझने वाले ने वही समझा, वो हमारा अभिधा परक काव्य। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह डोलो, तो ये जो कवि ने लिखा है वही उसका अर्थ है, तो ऐसे काव्य को जो है अविधा काव्य कहते हैं। लक्षणा कि जहां पर सीधा अर्थ प्राप्त ना हो सके, जहां पर हमें अर्थ को घुमा करके अर्थ बिठाना पड़े, वहां पर हमारे लक्षणा। रस के अंतर्गत करुण रस आएगा, और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। जहां पर शोक है वहां पर आपका रस की जो निष्पत्ति होगी वह करुण रस की होगी। दूसरा इसमें रस आएगा वो है आपका वात्सल्य। जब कैकेयी का भरत के प्रति या कैकेयी का राम के प्रति जो प्रेम आया वो है आपका वात्सल्य रस, और इसका स्थायी भाव होता है रति। रति जो आपका स्थायी भाव है ये 3 में प्रयुक्त होता है।
पहला श्रृंगार के अर्थ में जब नायक और नायिका मिलते हैं तो श्रृंगार रस होता है, जब ईश्वर और भक्त का मिलन होता है वहां पर भक्ति रस होता है, जहां पर पुत्र विषयक प्रेम हो, जहां पर किसी छोटे बच्चे को देख करके प्रेम की भावना निष्पत्त होती है वहां पर हमारा वात्सल्य रस होता है। यहां पर कवि ने इन दोनों रसों का प्रयोग किया है और इन दोनों का प्रयोग करके भाव संधि की है। भाव संधि कि जब ना तो पूरी तरह से करुणा का भाव आया, क्योंकि जैसे ही करुणा का भाव आया वैसे ही उसमें वात्सल्य रस आकर के मिल गया, तो दोनों में से किसी भी एक रस का परिपाक नहीं हुआ। भाव दो मिले लेकिन रस एक भी पूर्ण तरह से नहीं हुआ, परिपाक नहीं हुआ, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ, ना तो करुण और ना ही वात्सल्य। तो दोनों रसों का जब परिपाक ना होने के कारण यहां पर एक नई बात आ गई और वह आई संधि, भाव संधि, दो भावों का मिलन, करुण का भी भाव और वात्सल्य का भाव, दोनों भाव जब आपस में मिले तो वहां पर हमारी भाव संधि हुई। अलंकार संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास, उपमा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। अभ्यास हेतु प्रश्न, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसे, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसे, तो पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा, मैं रहू पंकिला पद्म कोश है मेरा, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल उक्तियां देकर। आपके जो पेपर में प्रश्न आपके एक अंश दिया रहेगा और उस अंश के नीचे आपके प्रश्न दिए रहते हैं, उसी में से आपको कई बार होता है कि उत्तर उसी में से मिलता है और कई बार वह उत्तर शिल्प सौंदर्य के माध्यम से पूछा जाता है, केंद्रीय भाव के रूप में पूछा जाता है। तो उपरोक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कवि ने कैकेयी के किस रूप का वर्णन किया है, कैकेयी ने अपनी क्या इच्छा व्यक्त की है। पंक्ति है, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कैकेयी द्वारा किससे और क्या विनती की जा रही है। अगला प्रश्न आएगा, प्रस्तुत पद्यांश का शिल्प सौंदर्य व्यक्त कीजिए। तो शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आपको भाषा, रस, अलंकार, इन बातों को आपको लिखना होगा। अब आपका यह गृह कार्य है, जो पूरा अंश आपने पढ़ा कैके के अनुताप का, तदनंतर बैठी से और अंत तक जो आपने पढ़ा उससे संबंधित ये प्रश्न है। गुप्त जी ने कैके के चरित्र में जो नवीनताएं उत्पन्न की हैं, समुचित उद्धरण देते हुए उन्हें स्पष्ट कीजिए कि गुप्त जी ने कैके के माध्यम से कैके के चरित्र में जो नई बात कही है उसको व्यक्त करना है। राम के वन गगमन में कैके ने जो वर मांगा उसकी व्याख्या कीजिए। मैत्री शरण गुप्त की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। मैत्री शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उपमा एवं अनुप्रास अलंकार का एक एक उदाहरण बताते हुए लक्षण लिखिए। यह पूरा अंश जो हम लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया, उसके अंतर्गत यह तथ्य हैं जिनको हम लोगों ने आज समझा। सबसे पहले कैकेयी का अनुताप, जो साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से लिया गया है, जिसकी कथा वस्तु राम गमन के पश्चात, वन गमन के पश्चात कैकेयी का जो पश्चाताप हुआ, कैकेयी ने जो अपना यह वर मांगने दशरथ से जो वर मांगे और उसके परिप्रेक्ष्य में उसका पश्चाताप, चाहे पति को खोने का हो, चाहे पुत्र का त्याग का हो, चाहे राम के वन गमन का हो। ये पूरा अंश पढ़ने के लिए, दोबारा से समझने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, यदि आप को कोई परेशानी हो रही है तो आप दीक्षा ऐप डाउनलोड कर करके और पुनः इस अंश को आप पढ़ सकते हैं।